और यूक्रेन की तरफ रूस लगातार भेज रहा है अपनी सेनाएं। रूस के रोस्तोव में दिखा टैंकों का भी भारी जमावड़ा। यूक्रेन बॉर्डर की ओर टैंकों की लंबी लंबी कतारें किस तरह से लगी हुई हैं, ये देखिए ये तस्वीरें। पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से बड़े बड़े ट्रक्स के जरिए रसद की सप्लाई की जा रही है रशियन सेनाओं के लिए, और अब आप ये देखेंगे इस तस्वीर में कि किस तरह से रूस के रोस्तोव में रूसी एक्शन नजर आ रहा है और बड़े बड़े टैंक्स जो हैं उनकी लंबी कतारें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रोस्तोव में टैंकों का कैसा भारी जमावड़ा लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में और समझ सकते हैं कि पूर्वी यूक्रेन को लेकर रूस की तैयारियां कैसी हैं। और हमारे साथ राज कादियान साहब मौजूद हैं। कादियान साहब, अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रशिया आगे बढ़ता रहा तो इसका अंजाम क्या होगा? अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन क्या बात इससे भी आगे बढ़ सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज जो कुछ भी करें वो अपने ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, तो इसलिए अच्छा जो सैनिकों के मुठभेड़ आपस में होती है वो उसके आशंका नहीं है, तो ये कन्फाइंड रहेगी लड़ाई यूक्रेन के अंदर। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को पूरी मदद देंगे, हथियार देंगे, एम्यूनिशन देंगे, फाइनेंसिंग देंगे, वो तो पहले भी दे रहे हैं। तो जहां तक मैं समझ पाता हूँ कुछ भी हो सकता है संभव, लेकिन जो संभावना है कि प्यूतेन पहले तो इन दो रिपब्लिक के पूरे इलाके पर कब्जा करेगा, उसके बाद यूक्रेन की सेना कोई छोटी सेना नहीं है, 2.5 लाख की सेना है जो रशिया को छोड़कर यूरोप में सबसे बड़ी सेना है, और वेस्टर्न कंट्री चाहेंगे कि उनको उकसाते रहे और रशिया के साथ लड़ाई चलती रहे, और रशिया को जैसे अफगानिस्तान में इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा था वो नुकसान पहुंचे और उनकी इकोनॉमी और नीचे जाए। सर, फिर तो ये थॉट जहन में आता है कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ सैंक्शन लगा सकते हैं, वो उन्होंने लगा ली, कितने हद तक वो कामयाब होंगी, क्योंकि जर्मनी तो पूरे तरीके से निर्भर है, हालांकि उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि जो वो पाइपलाइन बन रही थी उसको वो बंद कराएंगे, जिसके पहले भी शक था कि वो पूरे तरीके से कमिटेड है या नहीं, वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया चांसलर जर्मन ने, लेकिन इसके बाद वो अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, इसलिए यानी ये बात तय है कि अगर डायरेक्ट जंग होती है तो यूक्रेन की सेना को ही सामना करना पड़ेगा रशियन सेनाओं का, वेस्टर्न कंट्रीज मदद के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।